हेलो एवरीवन, हाय, कैसे हैं आप लोग सब। मैं हूँ प्रिया खंडेलवाल। जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, मेरा पेज है लव इन्फ्यूज रेसिपीज। मेरा खुद का एक यूट्यूब चैनल है प्रिया खंडेलवाल के ही नाम से। आप मुझे फेसबुक पर देख सकते हैं लव इन्फ्यूज रेसिपीज़ के नाम से। सो ऑल्सो मैं आपको बताना चाहूँगी कि दिस इज़ माई सेकेंड एपिसोड ऑफ द सीरीज़ द रियल टॉक विद प्रिया। सो आज हमारे साथ जो गेस्ट आने वाले थे सार्थक जैन, ड्यू टू सम पर्सनल इशूज वो नहीं आ पा रहे हैं। सो आई थिंक द शो मस्ट गो ऑन। सो इसलिए मैं आज आपको लेकर आई हूँ। मैं आज आपको मेरी ही स्टोरी शेयर करूँगी। सो आपको एटलीस्ट पता चलेगा कि मेरी आज तक की जो जर्नी है वो कहाँ कैसे रही है। इनफैक्ट देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस जो लोग मुझसे पूछते हैं, तो मैं चाहूँगी कि मैं उन क्वेश्चंस को भी आंसर करूँ। सो इट्स गोना बी द रियल टॉक विद प्रिया, एग्जैक्टली मेरे साथ। तो आज हम बताएंगे सबसे पहले एक बैकग्राउंड के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन हु इज जॉइनिंग इन राइट नाउ, एंड ऑल्सो फॉर द लव जो आप लोग शो करते हैं मेरे लिए। सो मैं आपको बताती हूँ बेसिक मेरा एक बैकग्राउंड। सो आई एम प्रिया खंडेलवाल। मैं MBA कर रही हूँ, लास्ट सेमेस्टर है अभी, बस एग्जाम्स बची हैं। एंड आई एम ऑल्सो डूइंग MBA इन मार्केटिंग राइट नाउ। सो मेरा मेजर मार्केटिंग है, माइनर इज फाइनेंस। मैंने BBA में मार्केटिंग में किया है। सो मैंने जनरली सेल्स पढ़ा है, सेल्स क्या होता है, हम कैसे लोगों को पिच करते हैं, कस्टमर्स कैसे लेकर आते हैं, एंड एवरीथिंग अबाउट इट। मैं आपको मेरी अगर फूड जर्नी के बारे में बताऊं, तो मैंने स्टार्ट किया था ऑलमोस्ट 10 ईयर्स की थी जब मैंने कुकिंग स्टार्ट करी थी। सो वॉज वेरी अमेच्योर। मैंने बहुत बेसिक चीज़ें सीखी घर में कि कैसे बनती, जैसे रोटी सब्जी कैसे हम बेसिक बनाते हैं। एंड देयर सो मेनी थिंग्स जो मुझे मेरी दादी ने, मेरी चाची बड़ी, मैंने सबने सिखाया, क्योंकि आई लिव इन अ जॉइंट फैमिली, तो सब लोग मुझे बताते रहते हैं कि कैसे क्या कर सकते हैं आप। सो ऑल्सो आई वांट टू शेयर कि जब मैं बचपन में सब सीख रही थी, तो मैं बहुत क्यूरियस होती थी कि हाउ डू यू लाइक, आप कैसे स्पाइसेस को मिक्स करते हो, आप कैसे कोई रेसिपी में इंग्रेडिएंट चेंज करके पूरा डिश ही चेंज कर सकते हो आप। सो दैट इज़ ऑल्सो वॉट आई एम लर्निंग राइट नाउ। मैं अभी नहीं बोलूँगी कि आई एम एनी प्रोफेशनल समथिंग, क्योंकि मैंने कोई कोर्सेज नहीं करे हैं। दिस इज़ वॉट आई लर्न एवरी डे। मैं एवरी डे मेरे किचन में एक्सपेरिमेंट्स करती हूँ, मैं कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करती हूँ। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू कुकिंग, आप मुझसे अभी पूछ सकते हैं। आप यहाँ पे DM कर सकते हैं नीचे, या तो आप मुझे DM कर सकते हैं, यहाँ पे आप नीचे क्वेश्चंस पुट कर सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू आंसर दैट ऑल्सो। सो मैं बता रही थी आपको कि जैसे चालू हुआ, 10-12 साल की थी मैं। सो वन फाइन डे मेरी दादी वॉज लाइक कि चलो आप चटनी बनाना सीखते हैं। तो जैसे हम लोग मिक्सर जार में चटनी बनाते हैं, मैं वैसे नहीं सीखी है। हाय महिमा, मैंने सीखा है सिलबट्टे पे चटनी बनाना। अगर आपने कभी देखे हैं ट्रेडिशनली पत्थरों पे घिस घिस के जो चटनी बनती है, मैंने उस तरीके से सीखा है चटनी बनाना। सो उसका जो टेस्ट आता है, जो हम उसको मोर्टर एंड पेस्टर भी कहते हैं हमारी लैंग्वेज में, अगर आप उसका टेस्ट देखें और अभी के जो हमारा मिक्सर वाली जो चटनी होती है उसका टेस्ट देखें, तो ज़मीन आसमान का अंतर आपको पता चलेगा। इनफैक्ट बहुत सारी ऐसी रेसिपीज़ हैं दैट रिक्वायर्स कि आप उस पर पत्थर से ऐसे घिस के चटनी बनाएं। ऐसे पेस्टो ले सकते हैं आप, अगर आपने पेस्टो कभी ट्राई किया हो, तो अगर आप उसको प्रॉपर मोर्टर एंड पेस्टल में बनाएंगे तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। थैंक यू प्रथम। सो आप ये भी देख सकते हैं, इनफैक्ट तो मैंने ऐसे सीखा था। सो एट द एज ऑफ 15 जब तक मैं आई, तब तक आई स्टार्टेड मेकिंग दाल बाटी, चूरमा, लाइक ऑल ट्रेडिशनल इंडियन थिंग्स जो हम घर में बनाते हैं, एक भटूरे, और मैं ये सब बनाने लग गई। तो धीरे धीरे करके मैं जब सीखा, सो मैंने मेरा जब BBA का सेकेंड सेमेस्टर में थी, सो BBA के सेकेंड सेमेस्टर में जब मैं थी, तब वन डे एक्चुअली मेरी मैम ने मुझसे पूछा लाइक व्हाट डू यू वांट टू डू इन योर लाइफ, एंड आई एम लाइक मे बी आई डोंट वांट टू डू MBA, मे बी आई डोंट वांट, लाइक आई जस्ट डोंट बिलोंग इन दिस 9 to 5 वाली जॉब वाली चीज़, ये मैनेजमेंट वाली चीज़। बट सेइंग दैट, मैं आपको बताऊंगी जो 5 साल रहे हैं मेरे BBA एंड MBA के, आई हैव लर्न सो मेनी थिंग्स जो मैं शायद नहीं सीख पाती ऐसे। अगर मैं कोई और कोर्स कर रही होती तो शायद मैं नहीं सीखती। तो आई थिंक अगर आपकी लाइफ में कुछ हो रहा है ना, दिस इज़ द बिगेस्ट लेसन, तो आप उसको फॉलो करें, आप उसके साथ चलें। हो सकता है वो आपको इतने अच्छे अच्छे लेसन्स दे जो शायद आप ऐसे नहीं सीख पाएंगे। सो जैसे मैं आपको बता रही थी, जो मार्केटिंग स्किल्स हैं मेरे अंदर, दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ माय MBA एंड BBA वाला जो करियर मेरा भी रहा है 5 साल का। अगर मैं उसको उस टाइम पर ड्रॉप कर देती तो शायद नहीं होता। मेरा जो फ्यूचर है, आई वॉन्ट दैट शेफ मेरे नाम के पहले, ये मैं बहुत बार बता भी चुकी हूँ लोगों को, बट मैं प्रोफेशनली एक शेफ बनना चाहती हूँ। एंड आई एम ऑल्सो वेजिटेरियन, तो मैं वेजिटेरियन क्यूजीन को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। ऑल्सो मैं मेरी रेसिपीज में एक पॉइंट जो है बहुत फॉलो करती हूँ, दैट इज़ कि मेरी रेसिपीज फ्यूजन होती हैं। अगर जैसे आपने मेरी रेसिपीज देखी हैं, तो मैं कैसे दिया सिखा रही हूँ, तो मैं उसको रोटी से बनाया, मैंने ऐसे तौरतिया से बनता है, पर मैंने रोटी से बनाया,
इट्स जस्ट बिकॉज मैं चाहती हूँ कि जो नॉर्मल लोग हैं, जो आपके और मेरे से लोग हैं घर में, वो बना सकें, उन्हें आलस नहीं आए। मैं बहुत ज़्यादा ईजी रेसिपीज़ फॉलो करना चाहती हूँ, मैं वैसे ही सिखाती भी हूँ मेरी वीडियोज़ में अगर आप देखते हैं तो। मैं कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं सिखाती, ना मैं, मुझे खुद को आता है, तो मैं सब नया नया कुछ सीख रही हूँ और बस आप लोगों को सिखाती हूँ। दैट इज़ वन थिंग। ऑल्सो मैंने एक चीज़ देखी, आई लर्न एवरी डे, एवरी डे आई एम लर्निंग समथिंग, एवरी डे आई एम फॉलोइंग माई पैशन। आई एम टेलिंग यू, अगर आज मैं एक कॉरपोरेट कंपनी में जॉब छोड़ के बैठी हूँ जस्ट बिकॉज आई वॉन्ट टू परस्यू माई पैशन। एंड थैंक यू प्रथम। सो मैं आपको बता रही हूँ ना, अगर आपके पास दिन में कोई पैशन है ना दिल में, तो आप उसको फॉलो करें। प्लीज़ नेवर लेट एनी वन टेल यू वॉट इज़ राइट एंड रॉन्ग फॉर यू। ये आप डिसाइड करेंगे, ये कोई नहीं बता सकता आपको। आई एम टेलिंग यू, मैं 2014 से 2014 से व्हाट्स योर व्यू ऑन फूड स्टार्टअप। सो आई एम प्लानिंग अ स्टार्टअप सून, मे बी वेरी सून। सो आई एम स्टार्टिंग कि मैं मेरे जो प्रोडक्ट्स हैं वो अपने घर से अच्छी क्वालिटी में डिलीवर करूँ लोगों को, एटलीस्ट इंदौर बेस्ड एंड ऑल्सो धामनोद में, क्योंकि हमारा वहाँ पे एक होटल है, तो मैं वहाँ के थ्रू भी डिलीवरी कर सकती हूँ। ऑल्सो दिस इज़ अ वेरी फनी थिंग कि मेरे घर का खुद का होटल है, बट मैं ऐसे बहुत ज़्यादा वहाँ कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करती हूँ। बट अभी मैं बीच में 3-4 महीने वहाँ रहकर मैं सीख कर आई हूँ कि कैसे किचन वर्क करता है, कैसे एक प्रोफेशनल किचन में आप काम करते हैं, एंड ऑल्सो आप कैसे मैनेजमेंट देखते हैं। जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है वो बहुत आसान दिखता है हमें। अगर आप होटल मैनेजमेंट शायद पढ़ भी रहे होंगे तो आपको लगेगा बहुत आसान है, बट जब आप रियल लाइफ में वो सब फेस करते हैं ना, एवरीडे फाइनेंसेस, एवरीडे डीलिंग विद योर स्टाफ, थैंक यू अनुष्का, तो ये बहुत ज़्यादा आपके लिए टाइम कंज्यूमिंग होता है। एंड ऑल्सो आपको अगर कोई बोले ना कि इफ़ यू आर अ ब्लॉगर एंड यू आर नॉट लाइक यू आर नॉट डूइंग अ 9-to-5 जॉब, तो आपका काम क्या है। आई एम टेलिंग यू, बींग अ ब्लॉगर इज 24/7। यू डोंट हैव संडेज ऑफ, यू डोंट हैव एनीथिंग ऑफ। आपको हर दिन काम करना है, आपको हर दिन कंटेंट देना है, बिकॉज देर इज सो मच कॉम्पिटिशन। आपको खुद को कहीं ना कहीं शाइन कराना है। आई थिंक जो मैंने मार्केटिंग में सीखा है, दैट इज़ वन थिंग, इज़ यू शुड नो योर USP। आप क्या सेल कर रहे हो, आप में क्या यूनिक है। आज अगर मैं हूँ तो मेरा जो USP है दिस इज़ कि मैं सिंपल रेसिपीज देती हूँ, एंड दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेजिटेरियन होती हैं वो बहुत ईजीली आप फॉलो कर सकते हो। एंड आई ट्राई कि मैं कॉन्टिनेंटल जो रेसिपीज़ हैं उन्हीं को थोड़ा सा इंडियन टच दे सकूँ। सो ये मैं ट्राई करती हूँ। या इंदौर इज़ एक्चुअली वेरी फेमस फॉर फूड, एंड ये जो फूड का प्यार है ये आपको हर कोने पे, हर नुक्कड़ पे, हर जगह मिल जाएगा। एवरी पर्सन हु इज़ लिविंग इन इंदौर आपको बता सकते हैं कि वो खाने को लेके कितने शौकीन हैं। सो थैंक यू सो मच अनुष्का। सो मैं आपको बता रही थी, तो जैसे मैं आपको बता रही हूँ, जैसे बीबे के टाइम पे एक टाइम आया, देन आई रियलाइज कि मे बी आई डोंट बिलोंग हेयर, मैं नहीं शायद बिलोंग करती हूँ। एंड आई टोल्ड दिस टू माई टीचर, जो मेरी फैकल्टी थी उस टाइम पे, एंड शी इज़ लाइक वाई डोंट यू ड्रॉप इट। एंड आई एम लाइक मे बी आई ड्रॉप इट टुमारो, आई डोंट नो। आप एकदम वो हो जाता ना, आप एंक्शियस हो जाते हो, आपको नहीं पता आपको क्या करना है नेक्स्ट डे। एंड आई केम होम एंड टॉक टू माई मॉम, एंड मॉम इज़ लाइक प्रिया यू शुड डू बीबी, आई थिंक आपको करना चाहिए, आगे आप कंटिन्यू करो। शी वॉज नॉट फोर्सिंग मी टू डू दिस, बट वो चाहती थी कि मैं करूँ। एंड एज अ लाइक सेंसिबल पेरेंट जो हर किसी के होते हैं, वो ने मुझे बताया, आई एम नॉट यूजिंग एनी कैमरा, मेरे पास 1+7 है, मैं वो यूज़ करती हूँ। सो आई ऑल्सो टेल यू कि मैं कैसे मेरा सेटअप है पूरा आगे बताती हूँ। एंड ऑल्सो मेरी सिस्टर के पास iPhone XS है, तो हम इन दोनों के फोन्स के थ्रू फोटोज क्लिक करते हैं। या महाराष्ट्र के लोगों को वड़ा पाव बहुत पसंद होता है, आई नो दैट। सो मैं ट्राई भी करूँगी एक रेसिपी शूट करना उसके लिए। सो मैंने जो एक चीज़ सीखी मेरे 5 साल के करियर में, जो मेरा अकेडमिक्स का पार्ट रहा है, आई वॉज वेरी ब्रिलियंट। मैं खुद के बारे में ऐसे तारीफ नहीं करूँगी, बट आई वॉज वेरी स्टूडियस। मैं बहुत ज़्यादा पढ़ाई को लेके, मतलब आई वॉज लाइक मैं पढ़ाई को से पूछती थी, उस तरीके से मैं पढ़ाई करती थी, इतना पढ़ती थी मैं, लाइक आई हैड माई शेड्यूल फिक्स्ड एवरीथिंग। बट सडनली आई रियलाइज आई डोंट फील हैप्पी देयर। एंड नाउ व्हेन आई स्टार्टेड फूड, मैं आपको बता रही हूँ, आज ये जो 3,500 जो 3,800 लोग मुझे फॉलो करते हैं, दिस इज़ अ ह्यूज पार्ट ऑफ माई फैमिली। आप लोग मेरी फैमिली हो, आप लोग मुझे रोज़ मोटिवेट करते हो टू वर्क हार्डर, टू वर्क स्मार्टर ऑल्सो एवरी डे। मैं रोज़ कुछ क्रिएटिव सोचती हूँ, मैं रोज़ सोचती हूँ मैं क्या नया लाऊँ आप लोगों के लिए। सो ऑल्सो अगर आपको ऐसा लगता है, जो रेसिपीज़ मैं किसी और शेफ़ की कॉपी करती हूँ या मैं उनसे इंस्पिरेशन लेती हूँ, आई ट्राई एंड गिव देम क्रेडिट्स। तो अगर आपको मेरे कैप्शन में कहीं लिखा है, थैंक यू, अगर आपको मेरे कैप्शन में कहीं दिख रहा है कि आई हैव रिटन नीचे कि दिस रेसिपीज बाय शिवेश और दिस रेसिपीज बाय अमृत ऑफ लाइफ, सो मैंने उनसे ही ली है। डिलीशियस डिशेज़, मैंने मेरे 12th में आई हैव स्कोर्ड
88.something% एंड ऑल्सो मेरा फाइनल ईयर अभी चल रहा है MBA का, मैंने मेरे BBA के फाइनल ईयर में आई स्कोर 96%। थैंक यू फॉर आस्किंग। सॉरी शेफाली, सार्थक कुछ पर्सनल इशूज़ के कारण नहीं आ पा रहा है लाइव में, इसलिए मैं आपको आज मेरे बारे में बता रही हूँ, मैं मेरी स्टोरी शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। सो मैं आपको बता रही हूँ, तो आप अपना पैशन अगर हो, आपका पैशन अगर फूड है, अगर आपका पैशन फोटोग्राफी है, फैशन है, एनीथिंग एल्स, आपका पैशन कुछ भी है, आप प्लीज़ उसको फॉलो करें। डोंट लेट एनीवन डिसाइड आपका करियर क्या होगा आगे। एंड आई नो पीपल बोलते हैं बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है यूट्यूब में, ठीक है ना, एक और जना सही शायद, बट यू हैव टू नो कि आपको कैसे उसको अपने करियर में कन्वर्ट करना है। एंड आई एम स्टिल फिगरिंग इट आउट, आई एम नॉट टेलिंग यू कि मुझे आता है। एंड ये जो ब्यूटिफुल जर्नी है ना, ये ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स एवरी डे, आई वॉन्ट यू गाइज टू बी अ पार्ट ऑफ इट। आई वॉन्ट यू गाइज टू सी कि मैं शायद गिर भी रही हूँ ना, तो मैं आप लोगों के सामने हूँ। अगर थैंक यू सो मच, अगर मैं किसी भी तरीके से, अगर मैं शायद हो सकता है मेरी रेसिपीज फेल होती है, इनफैक्ट मेरी जो ओरियो केक की रेसिपी जो मैंने डाली है यूट्यूब पे, आई एम टेलिंग यू दिस पार्ट मैंने कहीं भी शेयर नहीं कराया है। जिस दिन मैंने केक बनाया था, जैसे ही मैंने उसको बाहर निकाला, सडनली पूरा फ्लोर पे गिर गया। सो आई एम टेलिंग यू ऐसा होता है, आई मेड इट अगैन एंड आई मेक वापस से शूट करते हैं लाइक फ्रॉम द स्क्रैच। सो ऐसा नहीं है कि अगर आप कुछ प्रोफेशनल में हो तो आप गलतियाँ नहीं करोगे, आप गलतियों से ही सीखते हो। अभी जो मेरी जामुन पार्फे की रेसिपी है, वो अगर आप लोगों ने देखी है, जो संजीव कपूर जी ने अपने यूट्यूब पेज पे भी डाली है, आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पे भी ऐसे ही था कि मैंने उसको एक दिन एक्सपेरिमेंट किया कि आई वॉन्ट टू मेक समथिंग यूनिक, आई वॉन्ट टू मेक समथिंग फ्रॉम जावा प्लम, एंड मैंने उस दिन जामुन पार्फे क्रिएट किया। सो देयर आर सो मेनी पीपल जो रेसिपीज क्रिएट करते हैं। ऑल्सो माई वन ऑफ माई वेरी गुड फ्रेंड्स द रोलिंग पिन इज देयर, सो आई थिंक शी इज़ ऑल्सो वेरी वर्किंग वेरी हार्ड। सो हम जो कंटेंट क्रिएटर्स है ना, देर इज ऑल्सो सम काइंड ऑफ हेट्रेड, ऐसा लोगों को दिखता है कि कुछ कॉम्पिटिशन है, कुछ हेट्रेड है। आई डोंट थिंक देर इज, ये आपके दिमाग में है, आपका परसेप्शन है। हो सकता है अगर आप प्लान कर रहे हैं उसको सही तरीके से, सो आप कर सकते हैं। आप अगर आप सोचें ना कि अगर सामने वाला इंसान कंटेंट क्रिएट कर रहा है, प्रेज देम, आपको पता है कितनी मेहनत लग रही है उन्हें कंटेंट क्रिएट करने में, एंड यू विल गेट दैट लव अगेन। आप जो लव दिखाएंगे उनको, वो आपको वापस मिलता है। ऑल्सो नाउ स्टार्टिंग विद इंस्टाग्राम, मैंने मेरा 8 months पहले, थैंक यू मैम, मैंने 8 months पहले अपना चालू किया था इंस्टाग्राम पेज। मैंने उस टाइम पे गणेश चतुर्थी थी एंड आई थॉट व्हाई डोंट आई क्रिएट अ पेज। मैंने क्रिएट करे थे ओरियो मोदक एंड ऑल्सो मावे के मोदक। तो आई स्टार्टेड, मेरी फर्स्ट पोस्ट थी वही अगर आप देखेंगे तो। एंड सडनली मैंने सोचा कि आज पेज क्रिएट कर लेते हैं, एंड मैंने क्रिएट किया, लोगों को बहुत पसंद भी आई वो रेसिपी। एंड टिल डेट आई एम टेलिंग यू, मैंने कभी कोई प्रोफेशनल कैमरा यूज़ नहीं करा है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप यूज़ नहीं कर सकते हो, बट अगर आप चाहें, आपका बजट है इतना, तो आप खरीद सकते हैं। थैंक यू द रोलिंग पिन, अगर आप चाहें तो आप खरीद सकते हैं, मैं नहीं लेती हूँ। मेरे पास सारा मोबाइल फोटोग्राफी है, मैं उसको यूज़ करती हूँ। इनफैक्ट रिसेंटली मैंने खुद का एक ट्राईपॉड परचेज किया है, अगर आप चाहें तो उसकी लिंक मैं मेरी स्टोरीज में डाल दूंगी। ऑल्सो देयर पीपल जो मुझसे पूछते हैं, आई एम यूजिंग अमेजोन बेसिक्स का ट्राईपॉड, इट्स नॉर्मल रेंज में है, आप ज़्यादा एक्सपेंसिव ना खरीदें एंड इट्स नॉट नेसेसरी। मैं अभी तक ट्राईपॉड्स नहीं यूज़ करती थी, टिल डेट मेरी सारी वीडियोज़ हैं वो नॉर्मल कैमरे से हुए। मैं आपको बता देती हूँ, आप अपना कैमरा बस ऐसे प्लेस करें, एंड आई जस्ट यूज टू शूट एवरी डे लाइक दिस। एंड ऑल्सो मेरे को बहुत प्रॉब्लम होती थी क्योंकि मेरे किचन में लाइट्स इतनी अच्छी नहीं है, तो मैं क्या करती थी, मैं ऐसे फ़ोन रखती थी एंड आई यूज टू टेक अ फ्लैश, मोबाइल फ्लैश मेरे हाथ में, एंड देन मैं उससे लाइट देती थी और साथ में नीचे कुकिंग होती थी। सो अगर आप मेरी वैसी वीडियोज़ देखोगे तो आपको लगेगा कि कहीं कहीं लाइट्स ऑफ जा रही हैं या थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है। दिस इज़ बिकॉज मैं कोई भारी सेटअप नहीं यूज़ करती हूँ, दिस इज़ ओनली 3 mobile phones जिसको मैं आगे पीछे यूज़ करती रहती हूँ। एंड आई थिंक अगर आप कुछ नया स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो यू डोंट हैव टू इन्वेस्ट सो मच, आपका मोबाइल इज़ वर्थ इट, आप उसके सारे फीचर्स यूज़ करें, आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। देर सो मेनी पीपल जो बताते हैं कि आप अडोबी जो लाइट रूम है उसका ऐप यूज़ कर सकते हैं, आई एम टेलिंग यू मैंने आज तक नहीं यूज़ किया है, मैं सिर्फ मेरा कैमरा ऐप यूज़ करती हूँ, बेसिक सेटिंग्स है उसके अंदर। इनफैक्ट अगर आप चाहते हैं मैं आपको एडिटिंग के बारे में बताऊँ, सो मैं एडिटिंग के लिए यूज़ करती हूँ स्नैपसीड, स्नैपसीड करके एक एप्लीकेशन है गूगल के द्वारा, आप उसको यूज़ कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। जो फोटोशॉप है आप यूज़ कर सकते हैं, अडोबी का जो लाइट रूम है आप उसको यूज़ कर सकते हैं, बट मेरे लिए स्नैपसीड बहुत कंफर्टेबल है एंड मैं उसके सारे फीचर्स को बहुत अडेप्ट कर चुकी हूँ। इनफैक्ट मैं वीडियोज़ के लिए यूज़ करती हूँ काइन मास्टर, मैंने उसका पेड वर्जन लिया हुआ है,
सो अगर आप चाहें तो वो भी चेकआउट कर सकते हैं। ये बेसिक चीज़ें हैं जो मैं यूज़ करती हूँ मेरे इंस्टाग्राम पे। या आई थिंक अब जो डिश है उस पर फोकस होना चाहिए आपका। एंड मैं जो फोटोज़ हैं आई ट्राई कि मैं मॉर्निंग आवर्स में क्लिक करूँ ताकि जो बाहर की सनलाइट है वो बहुत सुंदर लगे। मेरे घर में जो बाहर गार्डन है मैं उसमें क्लिक करती हूँ। सो देयर इज़ नो फैंसी सेटअप। अगर आप मेरी जामुन पार्फे की रेसिपी देखेंगे सो आई विल शेयर अ बिहाइंड द सीन्स उसके पीछे क्या है। तो मैंने एक बॉक्स के ऊपर पर्पल कलर का कपड़ा रखा है। नाउ यू हैव टू फिगर आउट व्हाट इज़ द कॉन्ट्रास्ट। अब मेरा जामुन पार्फे वॉज वाइट एंड पर्पल, सो आई फिगर्ड कि या तो वाइट कपड़ा होना चाहिए नीचे लेयर में या फिर पर्पल होना चाहिए। एंड आई एम लाइक पर्पल बहुत उठ के आ रहा है। सो दैट इज़ वॉट यू सी। जब आप कोई सीन क्रिएट करें ना आपके सामने तो आपको कलर कॉन्ट्रास्ट होना चाहिए। या अगर आप चाहें, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप एक कलर व्हील इमेजिन कर सकते हैं दिमाग में। नाउ आप कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स लीजिए लाइक ऑरेंज ब्लू जो हमने बचपन में पढ़ा है, रेड एंड ग्रीन, येलो एंड पर्पल, दीज गो वेल टुगेदर। इनके बीच जब आप फोटोज़ क्लिक करेंगे ना बहुत सुंदर लगती है। इनफैक्ट मेरे पास कोई फैंसी बैकड्रॉप्स नहीं है। मैं मेरे घर पे सिर्फ जो टेबल मैट्स होते हैं उनको यूज़ करती हूँ। मैंने बहुत सारे टेबल मैट्स खरीद के रखे हैं 6। वो अगर आप देखेंगे वीडियोज़ में तो ऐसा लगता है कि वुडन फ्लोर है वो या वुडन प्लेटफॉर्म है, बट दीज आर जस्ट माई टेबल मैट्स जिनको मैं यूज़ करती हूँ। तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप फैंसी कुछ खरीदें हमेशा। मैं बहुत लो बजट में काम करती हूँ बिकॉज आई वॉन्ट दिस टू सक्सीड। मैं चाहती हूँ मैं लॉन्ग रन में काम करते रहूँ। ऑल्सो हेलो एवरीवन जो मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। सो मैं ऐसे करती हूँ, इनफैक्ट अगर आप इंदौर में रहते हैं तो मैं आपको बताती हूँ बर्तन बाज़ार अगर आप चाहें तो वहाँ जा सकते हैं। वहाँ बहुत सस्ती क्रॉकरीज मिलती हैं। अगर आप कुकिंग में हैं तो आप वहाँ से ले सकते हैं। मैंने वहाँ पे जो प्लेट्स हैं छोटी छोटी प्लेट्स आई हैव बॉट इट फॉर 30 रुपीज़ ईच। 40 रुपीज़ में मैंने ऐसे बोल्स परचेज करें। सो दीज आर थिंग्स जो आप समझें कि आपको कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना है। एंड ये सारा इन्वेस्टमेंट मैंने तब किया था जब आई वॉज ऑलरेडी वर्किंग फॉर लाइक एवरी डे एंड मैं अपना टाइम फिक्स कर चुकी थी। सनी नो देर इज़ नो वन ज्वाइनिंग राइट नाउ। सार्थक जैन वॉज अबाउट टू ज्वाइन बट उन्हें को शायद टेक्निकल इशू आ गया है तो शायद वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। सो इट्स जस्ट ओनली मी एंड थैंक यू फॉर ड्रॉपिंग बाय। सो मैं आपको बता रही हूँ कि आपको सेटअप ज़रूरी नहीं है आपका कुछ फैंसी हो। आपके पास थोड़ी सी नॉर्मल लाइट्स हों एंड इट विल वर्क फाइन। लाइट्स नहीं हों आप एक विंडो के पास क्लिक कर सकते हैं। जैसे अगर आप चाहें तो उसमें बैक से लाइट आ रही है, फ्रंट लाइट आ रही है। मुझे इन सब टेक्निकल नेम्स अभी तक नहीं पता, आई एम स्टिल लर्निंग बिकॉज। बट अगर आप चाहें तो आई लिस्ट डाउन फ्यू पीपल जो बताते हैं, जैसे अर्चना मैम जिनका लाइव अगर आप चाहें तो पहले देख सकते हैं। वो बहुत अच्छी फोटोग्राफर है, उन्होंने बताया है उनके पेज पे हाउ शी मैनेजेस एवरीथिंग। ऑल्सो अमृता ऑफ लाइफ, आई एम अ बिग फैन ऑफ हर क्योंकि उनका जो स्टोरी टेलिंग है वो बहुत अच्छा करती हैं वो। इनफैक्ट जैसे इट्स माई लिटिल वर्ल्ड करके जो हैं अगर आप चाहें तो उनको फॉलो कर सकते हैं। शी इज़ ऑल्सो वेरी वर्सटाइल। उनकी वीडियोज़ में बहुत फन एलिमेंट होता है। सो दे आर सो मेनी जेन्युइन पीपल जिनको आप फॉलो करके सीखें। मैं ऐसे ही सीखती हूँ एवरी डे। मैं मेरी फीड चेकआउट करती हूँ कि व्हाट्स ट्रेंडिंग राइट नाउ। आपको इस चीज़ के लिए देखना पड़ेगा। सपोज अगर आपने आज इंस्टाग्राम खोला एंड देर इज समथिंग पैनकेक सीरियल ट्रेंड हो रहा है, सो यू हैव टू मेक श्योर दैट आप उसके रिलेटेड कंटेंट डालें। देन ओनली आपका वो कंटेंट ज़्यादा लोगों तक रीच करेगा अगर आपको रीच बढ़ानी है तो। एंड देन ओनली आप ज़्यादा लोगों को अपना ऑडियंस जो है वो टारगेट कर पाएंगे। आपको आपको नीश पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है, इंस्टाग्राम पे इंसाइट्स का एक फंक्शन होता है। अगर आप कंटेंट क्रिएटर के पेज से चला रहे हैं आप इंसाइट्स पर क्लिक करें, उसमें दिखाता है हाउ मेनी मेल आर फॉलोइंग यू, हाउ मेनी फीमेल्स आर फॉलोइंग यू, ऑल्सो द एज, जो एज है उनके हिसाब से एक्टिव टाइम क्या है। जैसे मेरे जो ऑडियंस है उनका एक्टिव टाइम इज़ 9 PM, 9 PM टू 10 PM। सो आई मेक श्योर जो मेरा कंटेंट है वो इसी टाइम अराउंड आए। मैं ऐसे खुद को बाउंड नहीं करती हूँ बट आई मेक श्योर कि मेरा कंटेंट जो है इस अराउंड आए। सो यू हैव टू मेक श्योर आपकी ऑडियंस कब एक्टिव है। ऑल्सो इंस्टाग्राम पे आप पोल कर सकते हैं। अगर आपको इंस्टाग्राम मार्केटिंग सीखनी है, इंस्टाग्राम पे आप पोल्स कर सकते हैं, आप क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हैं। दिस विल हेल्प यू सो मच इन ग्रोइंग क्योंकि मैंने अभी 8 मंथ्स पहले चालू किया था एंड आई हैव 3800 फॉलोअर्स। सो आप ऐसे ही ग्रो करेंगे। देर आर सो मेनी पीपल जिनके अभी तक ऐसे नहीं होते हैं, उनका कंटेंट बहुत अमेजिंग होता है, बट दैट इज़ हाउ यू रिलेट विद पीपल। ऑल्सो दिस इज़ वन थिंग जो मैं ट्राई करती हूँ मेरी वीडियोज़ में, आई पुट ट्रेंडी म्यूजिक बैकग्राउंड में मेरी वीडियोज़ की। अगर आपने देखा हो, आपने नोटिस किया हो तो, बिकॉज ट्रेंडी म्यूजिक जो होता है ना वो आई कैचिंग तो होती है आपकी वीडियो, बट वो सुनने में भी अच्छी लगे। अगर आप वीडियो में नहीं बता रहे हैं कुछ भी, आप नहीं बोल रहे हैं, तो आपका कुछ जो म्यूज़िक होना चाहिए वो होना चाहिए बैकग्राउंड में।
सो मेक श्योर आपके एक बैकग्राउंड में कुछ म्यूजिक हो. ऑल्सो द पीपल जो मुझसे पूछते हैं सर्टेन रेसिपीज के बारे में, अगर आप चाहें तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं. मैं रिस्पॉन्ड करती हूँ हर डीएम को. मैं आपको ट्राई करूँगी बताना कि मैं क्या रेसिपीज बनाती हूँ, मैं किस तरीके से बताती हूँ. ऑल्सो मैं नेक्स्ट वीक सिर्फ फास्टिंग के रेसिपीज पोस्ट करने वाली हूँ मेरे यूट्यूब पे, बिकॉज दिस इज सावन मंथ, श्रावण चल रहा है. अगर आप फास्ट करते हैं, अगर आप मंडेज, जैसे मैं मंडेज को फास्ट रखती हूँ, अगर आप चाहें तो आप फास्ट करते हैं, आप मेरी रेसिपीज फॉलो कर सकते हैं. मैंने आज ही एक रेसिपी डाली है ऑफ साबूदाना चीला, जो अगर आप चाहें तो बना सकते हैं. नेक्स्ट कमिंग वीक में मेरी ऑलमोस्ट 4 to 5 वीडियोस प्लान्ड है, जिसमें मैं रिलेटेड ऐसी ही फरियाली रेसिपीज बताऊंगी जो आप खा सकते हैं फास्ट में. इनफैक्ट दीज आर वेरी गुड फॉर नवरात्र ऑल्सो. ऑल्सो आई टेल यू वन थिंग, फास्टिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है. हम जैसे पूरे टाइम में खाते हैं तो आपको अपने गट को टाइम देना रहता है फॉर फास्ट. सो आई थिंक दिस इज़ वेरी आइडियल अगर आप हफ्ते में एक दिन फास्टिंग करें. आई हैव ऑल्सो स्टार्टेड इट वेरी रिसेंटली. अगर आप चाहते हैं तो मैं अपनी स्टोरीज पे शेयर कर सकती हूँ व्हाट आई ईट इन अ डे व्हेन आई एम फास्टिंग, मैं क्या खा रही हूँ सुबह से लेकर शाम तक, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ईट हेल्दी ऑल्सो. जरूरी नहीं अगर आप फास्ट करें तो यू हैव टू ईट साबूदाना बहुत सारा, नहीं, यू हैव टू बी वेरी प्लान्ड आप किस तरीके से खाना खाएं. ऑल्सो देर आर सो मेनी डाइट्स जो आप फॉलो कर सकते हैं, अगर आप करते हैं तो आप उस बारे में भी देख सकते हैं. मैं एक चीज़ के बारे में बता रही थी जैसे आपको कि इंस्टाग्राम मार्केटिंग जैसे आप बता रही हूँ इस तरीके से कर सकते हैं. नाउ यूट्यूब पर मार्केटिंग कैसे होती है. आई एम ऑल्सो वेरी बिगिनर, मेरे अभी कुछ 380 सब्सक्राइबर्स ही हुए हैं, बट आई एम पोस्टिंग रेगुलरली. नाउ सेलेक्ट योर डेज. आपको सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना, आपको बताना क्या है. लाइक मैं रेसिपीज बताती हूँ, अगर आप चाहें तो आप व्लॉग्स कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो ब्यूटी रिलेटेड कर सकते हैं. एंड प्लीज़ आप खुद को ऐसे अंडर एस्टिमेट नहीं करें. थैंक यू सो मच. आप अंडर एस्टिमेट मत करें कि मुझे कोई देख नहीं रहा है यूट्यूब पे, क्योंकि यूट्यूब पे आपको टाइम लगेगा. अगर आप ग्रो करना चाहते हैं तो इट टेक्स टाइम. मुझे ऑलमोस्ट 3 months हो गए हैं यूट्यूब पे आए हुए, बट मैं इतना ग्रो नहीं कर रही हूँ, बिकॉज आपका कंटेंट कितना रिलेटेबल है दैट विल ऑल्सो मैटर. एंड ऑल्सो लोग आपको फाइंड कैसे करें. सो यू हैव टू लाइक, आपको एक्टिव रहना है इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे एंड ऑल्सो यूट्यूब पे. आई विल टेल यू अ टेक्निक जो हमें मार्केटिंग में सिखाई जाती है, जो रेडियोज भी यूज करते हैं, एंड दिस इज वेरी वेरी क्रिएटिव. इसे कहते हैं रोड ब्लॉकिंग. हाय सुरभि, इसे कहते हैं रोड ब्लॉक करना. मैं आपको बताती हूँ, जैसे अगर आप रेडियो सुन रहे हैं एंड यू आर लिसनिंग टू वन रेडियो स्टेशन 93.5 सपोज, आप जैसे ही स्विच करेंगे 94.3, दोनों पे एड्स चल रहे हैं, तो दिस इज रोड ब्लॉकिंग. नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज, आपका जो कंटेंट है इट हैज टू बी कंसिस्टेंट एवर, हर जगह होना चाहिए, ऑल अराउंड. अगर आप इंस्टाग्राम पे एक पोस्टर पुट करें दैट आई एम कमिंग लाइव टुडे एट 5 PM, द सेम पोस्टर शुड बी ऑन फेसबुक, द सेम पोस्टर शुड बी ऑन व्हाट्सएप, ट्विटर, अगर आप पिंटरेस्ट पे तो पिंटरेस्ट, एवरीवेयर. बिकॉज दिस विल हेल्प जो आपकी ऑडियंस है, जो वाइड ऑडियंस है, उसको केटर करेंगे आप इस तरीके से. एंड ऑल्सो इससे ये होगा कि कोई मिस नहीं कर पाएगा. आई नो लोगों को लगता है बहुत इरिटेटिंग हो रहा है, कभी कभार होता भी है, आई एम अग्रीइंग टू दिस, होता भी है. बट अगर आपकी सपोज आज इंस्टाग्राम पर सिर्फ 100 लोग देख रहे हैं, तो फेसबुक से आपको 100 लोग और मिलेंगे. सो यू हैव टू मेक श्योर कि आपका जो कंटेंट है वो हर जगह एक जैसा है. मुझे पता है बहुत टाइम लगता है ये चीज़ करने में, बट आपको ध्यान रखना होगा. नाउ व्हाट वन थिंग, हाय फूड इज वन, हेलो फूड इज वन, इट्स प्रिया ऑल्सो, सॉरी या. सो आई वॉज टेलिंग यू, आप क्या कर सकते हैं, जैसे अगर आपने यूट्यूब पे वीडियो पोस्ट करी है ना, उसका 1 minute का टीजर आप अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दीजिए. दैट इज़ व्हाट आई डू. इससे ये होगा, जिसने 1 minute का आपका टीजर देखा है, आप डाल दीजिए लिंक इन बायो, तो वो पूरी वीडियो देखने के लिए यूट्यूब पे आएगा. सो आप इट्स ओके फूड इज वन. सो या, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इस तरीके से आपका जो ऑडियंस है उनको केटर कर सकते हैं. ऑल्सो अंडरस्टैंड योर नीश. नीश क्या होता है, आई विल टेल यू. जैसे अगर मैं इंस्टाग्राम पे हूँ तो मेरा नीश इस जो मेरी जनरेशन जो है, जो मुझे देखती है, दैट इज 18 to 24 और 28 प्रोबेबली. सो मेरा जो कंटेंट है अगर वो इंस्टाग्राम पे इन्हीं एज ग्रुप के अकॉर्डिंग आना चाहिए. मेरा जो यूट्यूब पे नीश है दैट इज ऑल द मदर्स, जो अभी रिसेंटली जिनने शादी करी है, जो भी लेडीज हैं वो, या विमेन है, या फिर जो लोग हॉस्टल में रह रहे हैं जिनके पास कोई हेल्प नहीं है, वो लोग. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड योर नीश. आपका जो नीश है वो आपको अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है. व्हेन यू अंडरस्टैंड योर नीश, यू हैव टू क्रिएट कंटेंट अकॉर्डिंगली. अगर मैं आपको इंस्टाग्राम पे सिखाऊंगी हाउ टू मेक दाल बाटी चूरमा, यू वोंट सी,
मेरी ऑडियंस ही नहीं है वो जो देखेगी, बट द सेम थिंग व्हेन आई पुट दिस ऑन यूट्यूब वो लोग देखेंगे। सो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, फेसबुक पे आई एम टेलिंग यू, जो अगर आपको लगता है यंग जनरेशन एक्टिव है देन नॉट वेरी एक्टिव ऑन फेसबुक। फेसबुक पे जितनी भी ओल्डर एज लोग हैं 30 अबव 40 अबव 70 अबव वो लोग हैं। सो इफ यू वांट टू केटर टू दैट ऑडियंस आप फेसबुक पर एक्टिव रहिए। ऑल्सो दिस इज माई पर्सनल एडवाइस जो मैं देना चाहूँगी एंड आई थिंक आपको नोट डाउन करनी चाहिए कि आप कभी भी डोंट पुट ऑल योर एग्ज इन वन बास्केट। Never ever be only active on one platform because you never know, जैसे TikTok ban हो गया, Instagram ban हो जाए या suppose Facebook ban हो गया, तो आपका business collapse नहीं होना चाहिए। आप जो कर रहे हो collapse नहीं होना चाहिए। You have to be active on everything and this is very good अगर आपका खुद का blog है तो, क्योंकि blog is something जो आप अपनी इच्छा से बंद करोगे, आपको कोई बताएगा नहीं कि आपको आज बंद कर देना है। और आज जैसे हम लोग Instagram या Facebook पे हैं, so this is something जो हम free में use कर रहे हैं, तो दे हैव ऑल राइट्स। फेसबुक पर आप कैसे कर सकते हैं, आप अपनी वीडियोज़ डाल सकते हैं खुद का पेज क्रिएट करके, जैसे मेरा लैब इन्फ्यूज रेसिपी से पेज है, तो मैं मेरी जो वीडियोज़ इंस्टाग्राम पर डालती हूँ आई मेक श्योर मैं वो वीडियोज़ फेसबुक पर डालूँ। आई नो फेसबुक पर इतने लोग फॉलो नहीं करते हैं आपको रिसेंटली, बट अगर आप चाहें तो आप उसको पेड तरीके से चाह सकते हैं, तो अगर आप कर सकते हैं फेसबुक एड्स पेड होते हैं, इंस्टाग्राम एड्स पेड होते हैं। इनफैक्ट आई विल टेल यू उनका स्टार्टिंग रेंज क्या होता है। इंस्टाग्राम एड्स जो हैं, जो पेड एड्स होते हैं, दैट स्टार्ट फ्रॉम 80 रुपीज़ पर डे। अगर उसमें आप सिलेक्ट कर सकते हैं ऑडियंस भी, अगर आप, मैंने देखा था कैसे कर सकते हैं आप, तो अगर आपने ऑडियंस सिलेक्ट करी कि मुझे मध्य प्रदेश गुजरात इन लोगों को टारगेट करना है, तो इंस्टाग्राम के जो एड्स हैं वो उनको टारगेट करेंगे एंड आप पे करें उनको 80 रुपीज़ पर डे। दिस कैन रेंज अप टू 7,000-10,000 ऑल्सो। दिस विल कम्प्लीटली डिपेंड आपका एडवर्टाइजिंग बजट क्या है, आप क्या दिखाना चाह रहे हैं। नाउ दिस इज़ माई पर्सनल एडवाइस, अगर आप एड में बिलीव करते हैं या करना चाहते हैं तो मेक श्योर आपका पेज इज़ वेरी अट्रैक्टिव, क्योंकि जब आप उनको प्रोफाइल पे बुलाएंगे ना तो आपकी प्रोफाइल दिखनी तो चाहिए। अगर आपने इतना पैसा लगाया है, आपने किसी चीज़ में इन्वेस्ट करा है, तो वो अगर वो प्रोफाइल पे नहीं दिखेगा ना तो दे वोंट फॉलो यू। आपका कंटेंट बहुत रिलेटेबल होना चाहिए व्हाट यू आर पोस्टिंग। अगर मैं आज आपको पोस्ट करूँगी कि हाउ कैन यू मेक सपोज दाल बाटी इन 5 आवर्स, आप नहीं देखोगे, नो वन हैज दैट अमाउंट ऑफ टाइम। बट आई विल शेयर मेक मैगी इन 2 मिनट्स और मेक पास्ता इन 5 मिनट्स, सो आप देखोगे कि कैसे उन्होंने 5 मिनट बना लिया। सो दिस इज समथिंग जो आपको देखना पड़ेगा आपकी ऑडियंस कैसी है। फूडी क्लिक्स आई कैन हेल्प यू, यू कैन जस्ट प्लीज़ डीएम मी अगर आपको कुछ एडवाइस चाहिए मुझसे, या अगर आपको किसी और कोलैबोरेशन के लिए बात करनी तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं। सो या हाय चमन, सो आप क्या कर सकते हैं, आपको ये चीज़ समझनी है कि नीश क्या है, उसके हिसाब से आप हमारा कंटेंट बनाएंगे। नाउ ऑल्सो आपको जो एक चीज़ में मास्टर करना है दैट इज़ स्टोरी टेलिंग। आई टेल यू दिस, मैं आपको बता रही हूँ कि इम्फोसिस दे रही हूँ इस चीज़ पे। इंसान जो अच्छे स्टोरी टेलर्स होते हैं, हाउस ऑफ टेस्टी, आई मेक श्योर आई ड्रॉप अ मैसेज कि आप रीच कैसे बढ़ा सकते हैं आपकी, या मैं लेटर आंसर करूँगी इस क्वेश्चन को। सो वैसे बता दें, अगर आप स्टोरी टेलर हैं अच्छे, तो आपको कहानी बताना आना चाहिए। आपका कहानी का तरीका क्या है, जैसे अगर आप लोग जाकिर खान को जानते हैं, सो वाई इज़ ही फेमस, उसका फेमस होने का जो रीज़न है उनका इज बिकॉज उनके पास एक स्टोरी है, उनके पास एक बताने का तरीका है, उनके पास ऑडियंस को इंगेज करने का तरीका है। ऑल्सो मैं आप वापस से अमृता मैम का नाम ले रही हूँ, बट शी इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड स्टोरी टेलर। अगर आप उनकी स्टोरीज सुने, उनका बात करने का तरीका सुने, तो आप बहुत इंप्रेस होंगे। आई थिंक शी डिज़र्व मोर फॉलोअर्स उनके हैं जितने। तो देयर आर सो मेनी पीपल जो बहुत अच्छे स्टोरी टेलर्स होते हैं, सो मे बी दे डोंट हैव मच अमाउंट ऑफ फॉलोअर्स, बट उनके जो फॉलोअर्स हैं ना वो जेन्युइन हैं। जब अगर आप नॉर्मल एड्स के इनके थ्रू करते हो ना, तो आपको गोस्ट फॉलोअर्स मिलते हैं। नाउ व्हाट इज़ गोस्ट फॉलोअर? गोस्ट फॉलोअर वो लोग होते हैं जो आपको फॉलो तो कर रहे हैं बट दे आर नॉट एंगेजिंग इन योर कंटेंट। दे वोंट लाइक योर पोस्ट, दे वोंट कमेंट ऑन योर पोस्ट। अगर आप कुछ पोल्स करते हैं तो उनका रिप्लाई नहीं करते हैं वो। तो ऐसे फॉलोअर्स है या नहीं है, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है आपको। सो मेक श्योर आपका जो फॉलोअर बेस है, आप उनसे इंगेज करें, टेल देम। एंड नाउ आई ब्रिंग यू बैक टू द टॉपिक की वर्कशॉप्स के बारे में बताती हूँ। मैं वर्कशॉप्स लेती रहती हूँ, आई हैव कंडक्टेड सो मेनी लाइव्स इन द पास्ट मंथ। अगर आप चाहें तो मेरे फेसबुक पर चेक भी कर सकते हैं। सो लाइव अगर आप जाते हैं, या अगर आप फेसबुक पे या गूगल मीट या जूम पे वर्कशॉप्स लेते हैं, तो यू हैव टू मेक श्योर, आपको पता होना चाहिए व्हाट यू आर गिविंग इन फ्री एंड किस चीज़ के आपको पैसे लेने हैं। नॉट एवरीथिंग यू कैन चार्ज फॉर, आपको पता होना चाहिए कि लोग किस चीज़ का पैसा लें। एंड प्लीज़ ट्राई एंड कीप योर सेल्फ इन देयर शूज़।
अगर मैं होती तो मैं पे करती क्या इतना अमाउंट? अगर आपको लगता है इफ़ यू लाइक अमेच्योर एंड आप यू आर आस्किंग पीपल टू पे 12,000 रुपीज़ फॉर समथिंग, दे वोंट पे. यू हैव टू बी वेरी रीजनेबल अबाउट इट. एंड अगर ऑल्सो मैंने मार्केटिंग में जैसे एक चीज़ पढ़ी है, आप मनी लीजिए, दिस इज मनी. आई ऑल्सो शेयर प्रोटीन बेस्ड डाइट. तो दिस इज मनी एंड दिस इज एक्सपेक्टेशन ऑफ पीपल. तो जो मनी है उससे वैल्यू डिराइव होती है कि हमें क्या वैल्यू मिल रही है उस चीज़ से. एंड अगर आप उनके एक्सपेक्टेशंस को मीट कर जाते हैं तो वो सेटिस्फाइड है, या आप उनके एक्सपेक्टेशन से ऊपर उनको कुछ दे रहे हैं तो दे आर वेरी सेटिस्फाइड. देर ऑल्सो कस्टमर डिलाइट जिसे हम कहते हैं वो है. बट अगर आप उनकी सेटिस्फैक्शन को मीट नहीं कर रहे हैं तो आपके जो कस्टमर्स हैं, जो फॉलोअर्स हैं, वो सेटिस्फाइड नहीं है आपके कंटेंट से. दे विल स्टार्ट आप वो आपको अनफॉलो करने लग जाएंगे, या वो आपके कमेंट्स या उसमें हेट कमेंट्स डालने लग जाएंगे. सो यू हैव टू वेरी श्योर, लाइक आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि लोग क्या लिख रहे हैं आपकी पोस्ट के नीचे. सो मेक श्योर ऑल्सो, जैसे आपने मुझसे पहले पूछा था कि रीच कैसे बढ़ा सकते हैं, तो आई मेक श्योर आपको बता दूं मैं. हैशटैग्स आप यूज़ कर सकते हैं. देयर आर सो मेनी पीपल जो हैशटैग पे एम्फोसिस डालते हैं. ऑल्सो मेरी बहुत सारी पोस्ट पे जो रीच है, तो अगर उस पर दिखाता है 4K रीच, तो कितनी बार 3K रीच इज जस्ट बिकॉज ऑफ द हैशटैग्स. सो आई ऑब्वियसली एम्फोसाइज ऑन दिस, आपके हैशटैग्स कैसे होने चाहिए. नाउ क्रिएट योर ओन हैशटैग्स. अगर आपका पेज नाम है लव इन्फ्यूज रेसिपीज, सो पुट अ हैशटैग, हैशटैग लव इन्फ्यूज रेसिपीज, हैशटैग लव इन्फ्यूज. अगर मैं कोई पोस्ट मैंगो पार्फे के बारे में डाल रही हूँ, तो आई स्टार्ट पोस्टिंग मैंगो पार्फे, हैशटैग मैंगो लवर. ऐसे करके मैं हैशटैग्स डालती हूँ. तो देयर कुड बी अ वैरायटी ऑफ हैशटैग्स जो आप यूज़ कर सकते हो. नाउ आई मेक श्योर जो मेरा रेगुलरली मेरा कंटेंट देखते हैं, मैं उनको पर्सनली एक मैसेज ड्रॉप करती हूँ, न्यू पोस्ट अप. तो वाई डू आई ड्रॉप अ मैसेज? ताकि उन्हें पता चले. कितनी बार आप फीड में से स्किप कर देते हैं, तो मैं ये चीज़ ट्राई करती हूँ. आई डोंट नो इट्स वर्क लाइक इट वर्क इट विल वर्क फॉर यू और नॉट, बट ये मेरे लिए बहुत टाइम से मैं कर रही हूँ, बहुत टाइम से वर्क कर भी रहा है. नाउ आपने मुझे कहा कि प्रोटीन बेस्ड डाइट क्या हो सकती है. सो अगर आप वेजिटेरियन हैं, प्लीज़ ट्राई एंड इंक्लूड किनोवा. इसको हम स्पेल करते हैं QUINOA, किनोवा, बट हम बोलते हैं किनवा. किनवा को आप इंक्लूड करें अपने डाइट में. दिस इज़ वेरी हेल्दी, प्रोटीन रिच होता है. इनफैक्ट अगर आप चाहें